वैसे भी देख लो बढ़िया लगता सीन हॉस्टल से। वाह पता नहीं रूम में कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है यार। पंखा भी मैंने 5 पकड़ रखा है, 4 पकड़ रखा पूरा। अब यहाँ पर खिड़की है, इधर नहीं आएगी। यहाँ से तो नहीं आ रही है, पता नहीं लगता है रूम में कुछ। बाहर चलते हैं। भाई साहब यही आके ऐसी हवा लगती है फेस पे। ओहो ठंडी हवा एकदम। व्यू दिखा भाई, ये व्यू तो कितनी बार भी दिखा दो मुझसे, कभी मन नहीं भरता इस व्यू को देखने से। आई होप कि कैमरा जस्टिस कर रहा हो, क्योंकि मेरे को तो बहुत अजीब बड़े लगता है एकदम। वाह वही सामने मेरी यूनिवर्सिटी है उधर पूरी। सही है ओवरऑल, सुबह सुबह की 10 बजे की बढ़िया हवा, ठंडी ठंडी, दोपहर को गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रहता हूँ अभी, इस वाले इस जो पूरा ये वाला हॉस्टल है, ये वाला हॉस्टल मेरा है, और मेरे ख्याल से ये वाला रूम मेरा है, ठीक है। और इसके बाद ये बैरियर आया था, और जो इधर एक अटैच्ड दूसरा हॉस्टल है ये वाला, यहाँ पे मेरे जानने वाले कुछ रहते हैं। फिर मेरे जानने वाले सामने जो वो ये घर है, ये वाला दिस वन, कुछ जानने वाले यहाँ पे भी रहते हैं। फिर और कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, वो उधर वाइट वाले जो ये है, यहाँ पे भी मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं। तो बेसिकली आसपास सारे हॉस्टल ही बने हुए हैं। हम तो बस व्यू को मजे लेते हैं अभी, और कुछ दोस्त मेरे इस साइड भी रहते हैं, और भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ है। तो ये वाला तो गर्ल्स हॉस्टल से छोड़ देते हैं, यह बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे कुछ दोस्त रहते हैं। फिर अपना इधर जो कुछ घर बने हुए हैं एक, तो ये सब यहीं पे कहीं दोस्त रहते हैं कुछ। तो बेसिकली सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, हॉस्टल्स पीजीज। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मूविंग इन पीजी। इतनी धूप हो रही है बाहर यहाँ पे, भाई 1:30 बज रही होगी, 1:40 हो रहे होंगे, इतनी धूप निकल रही है। और फिर भी लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है, ये बात मेरे को अच्छी लगती है उत्तराखंड की। चलते थोड़ा खाना वाना खाते हैं, लंच करते हैं, होटल में पानी भरते हैं, लेट्स मूव। इतनी जस्ट गॉट डन विद द लंच, अब करते हैं पार्ट 2 पढ़ाई, और दिन का सेकेंड सेशन करेंगे पढ़ाई का अब। एंड लेट्स सी कि कितना सिलेबस बचा है, कितना सिलेबस और करना है, कितना टाइम लग जाएगा, और अब सारा भी ख़त्म कर दूंगा। फिर देखते हैं कि काम कल के लिए काम कितना बचेगा, क्योंकि कितना भी पढ़ लूँ एक दिन पहले, मतलब अभी जैसे 2 दिन की छुट्टी है, मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे पास फिर भी जो एक दिन पहले, मतलब जो कल का डे होगा, मतलब पेपर मंडे को है, मतलब संडे जो कल का दिन होगा, उसमें इतना सारा काम बच ही जाता करने का, बिकॉज एंड मोमेंट पढ़ाई सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है, और मतलब हर चीज़ को दोबारा दोबारा रिवाइज करना पड़ता है ना। तो इसलिए मैं कितना ही पढ़ लूँ अभी, मेरा फिर भी कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ऐसा ना हो, इस बार मैं अभी से ही लेके सारा खत्म करता हूँ चलूँ, और बस जल्दी से हो ही जाए। अभी मैं पढ़ के थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है अभी, और मतलब न्यूमेरिकल मेथड्स एक ही सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट है यार। और सर जो मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर खोल के देखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है उसमें, क्वेश्चंस क्या पूछ रखे हैं। तो भाई बड़ी ही टाइट सिचुएशन लग रही है न्यूमेरिकल मेथड्स में जो सब्जेक्ट है, और इसका पेपर मंडे को है, आज है सैटरडे। तो आज मैं नोट्स मांग रहा हूँ दोस्तों से, क्योंकि क्लास में जो जो ज़्यादा लिख रखा था मैंने उसको नोट कर लिया था कि भाई ये लोग ज़्यादा लिख रहे हैं, इनसे नोट्स मांग लेंगे, मस्त प्लान है। तो अब वो टाइम आ चुका है नोट्स मांगने का। अब एक दोस्त से बोला भी है, उससे नोट्स मांग रहा हूँ मैं। लेट्स सी की प्रिपरेशन हो जाए अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ मैं। बस यही बोलूँगा कि भाई अगले सेम से भाई स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है पूरी। Thank you.
भाई मैगी पॉइंट वही है ना वहाँ पे। के स्पॉट पे आया हूँ, बहुत तगड़ा स्पॉट है ये, कैफे वैफे पूरा बढ़िया। और जो अभी थोड़ी वीडियो वीडियो देखी वो इस कैफे की हैं, और दिखाता हूँ व्यू, दिखाता हूँ पूरा आगे। और आगे उस सर आग भी लगी पड़ी है, और हम ऊपर एक बिल्डिंग है वहाँ पे जाने वाले थे ट्रैक करने के लिए, लेकिन हम पहले वाले पहाड़ पर चढ़ गए और हम आगे तक पहुँच ही नहीं पाए। दिखाता हूँ यहाँ से सही दिख रहा है, लास्ट मंथ हम गए थे उस जो पे बिल्डिंग जो दिख रही है ना, वो हल्का सा वहाँ पे अनकंस्ट्रक्टेड होटल है। हम इधर जाने वाले थे ट्रैक करने के लिए, लेकिन हम इस एरिया में जाके रुक गए थे क्योंकि कुछ बच्चे नहीं चढ़ पाए आगे, वरना मैं तो चढ़ ही जाता पूरा। पीकी ब्लाइंडर्स ऑन टू हॉर्सेस, you can either ride on a horse or you can either ride interceptor. क्या कह रहा था बोलना भी, नेचर देख के बोर हो गया तू? हाँ तो नेचर ये है, रोज का हो गया अब तो है। रात के 1 बज रही है, मैं थोड़ा बाहर बालकनी में आया था हूँ क्योंकि यहाँ की हवा बहुत बड़े लगती है। That's it for this vlog. आज दिन काफ़ी सही रहा, और देखते हैं क्योंकि कल मेरा परसों पेपर है, मतलब कल पेपर है, तो क्या पता मैं आज व्लॉग को भी ना करूँ। So that's it for today. Bye bye.